अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। आज भी राणा दंपति को राहत नहीं मिली। अब 29 अप्रैल को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कल हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। दोनों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया है कि राणा दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसने उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इन पर IPC की धारा 15A और 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। राजद्रोह की धारा 124A भी लगाई गई है। लाउड स्पीकर को लेकर मचे घमासान के बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी है। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपने साथ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में हुए गलत व्यवहार की शिकायत की थी। राणा ने 9 पॉइंट का एक मेल लोकसभा कार्यालय को भेजा था, जिसका संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने राज्य सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि उनके घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने भाजपा का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा और दावा किया कि उन्हें हिंदुत्व सिखाने वाले उस वक्त चूहे के बिल में छिपे थे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आइए, लेकिन सही तरीके से आइए। ठाकरे ने यहां बेस मुख्यालय में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत के मौके पर कहा, लेकिन अगर आप दादागिरी से आना चाहते हैं तो बाला साहब ने हमें सिखाया है कि दादागिरी को कैसे खत्म करते हैं। उन्होंने भगवान हनुमान का संदर्भ देते हुए कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व गदाधारी है, जबकि विरोधियों का हिंदुत्व घंटाधारी है।